यहाँ पे। दोस्तों ये कुंडली शक्ति वीडियो सीरीज का तीसरा भाग है। इसमें हम आपको कुंडली शक्ति के सातों चक्रों के बारे में आपको हम बताएंगे, ये कहाँ कहाँ पे स्थित होते हैं और इसका क्या कार्य है। तो दोस्तों ये वीडियो सीरीज का दो भाग हमने पहले ही आपको बता दिया है, सप्त शरीर और नाड़ियों के बारे में। तो अब दोस्तों हम लोग सातों चक्रों के बारे में जानते हैं कि ये क्या है और इसका कार्य क्या है। तो दोस्तों चलिए जानते हैं कि हमारे शरीर में सातों चक्र कौन कौन से हैं। पहला मूलाधार चक्र, दूसरा स्वाधिष्ठान चक्र, तीसरा मणिपूरक चक्र, चौथा अनाहत चक्र, पांचवा विशुद्धि चक्र, छठवां आज्ञा चक्र, सातवां और अंतिम सहस्त्राण चक्र। तो दोस्तों हमारा जो सुषुम्ना नाड़ी है इन सातों चक्र से होते हुए गुजरती है। तो चलिए जानते हैं इन सातों चक्र को विस्तृत से। पहला है मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र हमारे सुषुम्ना नाड़ी के सबसे निचले छोर पे होता है। इसमें चार कोने होते हैं और ये रक्त के समान लाल रंग का होता है, जागृत रेड कलर का होता है। मूलाधार का अर्थ ये है कि ये हमारे सभी चक्रों का मूल आधार है। अगर इसको सरल शब्द में समझा जाए तो इस चक्र के जागृत होने पर बाकी के सभी चक्रों को जागृत होने में हमें आसानी मिलेगी। इस चक्र के जागृत होने से हम अपने शरीर पर नियंत्रण कर पाते हैं, अर्थात कंट्रोल कर पाते हैं। इस चक्र के संतुलित न होने पर मोटापा जैसे बीमारियों का सामना करना पड़ता है। इसका उच्चारण शब्द ल है। तो दोस्तों अगर हम ल शब्द का उच्चारण करते हैं तो हमारा मूलाधार चक्र प्रभावित होगा। दूसरा स्वाधिष्ठान चक्र। यह चक्र सुंदूरी रंग का होता है, अर्थात ऑरेंज रंग का होता है। यह हमारे पेट के मध्य में स्थित होता है। इसका उच्चारण शब्द व है, अर्थात अगर हम व शब्द का उच्चारण करें तो स्वाधिष्ठान चक्र पे हम प्रभाव डाल सकते हैं और इस चक्र के असंतुलित होने से पेट की बीमारियां होती हैं। तीसरा मणिपूरक चक्र। यह स्वाधिष्ठान से थोड़ा ऊपर होता है, इसका रंग नील कमल के समान होता है। इसका उच्चारण शब्द रम है, अर्थात अगर हम रम का उच्चारण करें तो हम इस चक्र पर प्रभाव डाल सकते हैं। इस चक्र के असंतुलित होने से मधुमेह एसिडिटी जैसी बीमारियां होती हैं। चौथा अनाहत चक्र। यह मणिपूरक के ऊपर हृदय क्षेत्र में होता है। इस चक्र का रंग हरा होता है। इसका उच्चारण शब्द यम है। अगर हम यम शब्द का उच्चारण करें तो इस पे हम प्रभाव डाल सकते हैं। इसके असंतुलित होने से दमा, रक्तचाप एवं फेफड़ा संबंधी रोग होता है। पांचवा विशुद्धि चक्र। यह चक्र कंठ के पास स्थित होता है और यह नीले रंग का होता है। इसका उच्चारण शब्द हम है। हम के उच्चारण से यह चक्र प्रभावित होता है। इसके असंतुलित होने से थायराइड और गले की बीमारियां होती हैं। छठवां आज्ञा चक्र। यह हमारे दोनों आईब्रो के बीच में होता है। इसे थर्ड आईज अर्थात तीसरी आंख भी कहते हैं। दरअसल यह बहुत शक्तिशाली होता है। वैचार से तो सभी चक्रों का अपना अपना महत्व है, पर इससे हम भूत, भविष्य और वर्तमान देख सकते हैं। यह बैगनी रंग का होता है। इसका उच्चारण शब्द ओम है। ओम के उच्चारण से यह प्रभावित होता है। इसके असंतुलित होने पे हमें दृष्टि दोष, सर दर्द, स्वप्न दोष जैसी बीमारियां होती हैं। सातवां और अंतिम सहस्त्राण चक्र। यह सुषुम्ना के अंतिम छोर पर स्थित होता है। यह सफेद रंग का होता है। इसका भी उच्चारण शब्द ओम है। यह चक्र संपूर्णता को दिखाता है। इस चक्र के जागृत हो जाने पे हमें स्वतः में हम संपूर्ण हो जाते हैं। इसके असंतुलन से तनाव, पागलपन और मस्तिष्क की बीमारियां होती हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको कुंडली चक्र के बारे में जानकारी दे रहे हैं। अगला वीडियो इनके जागृत करने अर्थात एक्टिव करने के बारे में होगा, जो इस कुंडली शक्ति वीडियो सीरीज का आखिरी वीडियो होगा। तो दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, आप हमें अपना सुझाव कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आप कोई अनुभव है कुंडली शक्ति के बारे में तो वो भी हमें जरूर शेयर करें, ताकि हम दूसरों तक उस अनुभव को ला सकें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम ऐसे ही आपको अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहें। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।